सीएनजी हमने भरा ली, एक बार फुल करा लिया, ठीक है। इसके बाद मुरादाबाद में फिलअप कराना पड़ेगा दोबारा अपने को। तो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई थी, तो वैसे बहुत ट्रैफिक लग गया। ये रुद्रपुर जस्ट क्रॉस किया हमने, तो क्या मस्त आम लग रहे ना, मुरादाबाद से थोड़ा आगे, ठीक है। ये देखो ये सीएनजी सिटी, सबसे बड़ा सीएनजी पंप देखा मैंने आज तक। जो सारे टोल में हम लोग को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हमें खड़े खड़े, और मुझे लग रहा है अभी 10-15 मिनट और लगेगा। ई टोल प्लाजा 500 मीटर मतलब उस पॉइंट से आधा किलोमीटर और है टोल प्लाजा, इतनी दूर से जाम लग रहा है भाई। रुक जा, चल रहा है तू भी, चल रहा है, रुक जा। गाइस निकल रहे हम यहाँ से सबको बाय बोल के, ठीक है। टाइम बहुत लेट हो गया निकलने में आज, कम देखो भाई, नहीं उतना उतावला हो रहा था भाई। गाड़ी देखो कितनी ओवर देख रहे हो, और पीछे पूरा पैक्ड है। एक मिनट रुक जाओ, नियो को शटरों में डालेंगे। अरे सीट नीचे आ जा भाई, ये देखो उसके लिए सीट लगा रखी नियो के लिए पूरी। एक मिनट रुक जा नियो, एक मिनट रुक जा, इसी को पड़ नियो को, बैठ गया अपनी सीट पे, ठीक है चलो, क्योंकि आगे तो जगह है नहीं। देखो देख रहे हो सामान, पीछे भी देखो। नानी फिर से रोती हुई हर बार की तरह, जी सर चलो, मामी नमस्ते, हाँ जीते रहो जीते रहो जीते रहो, नानी नमस्ते, चलो चलो रो मत, नानी जी नमस्ते, आते जल्दी आते हैं, चलो मामू नमस्ते, चलो भाई जाओ के बैठो, चलो भाई आज हमारी हम आगे से पीछे आ गए हैं आज, चलो बाय 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 भाई, हम आज आगे से पीछे वाली सीट में आ गए हैं। नहीं हुई पीछे क्या, आप तो खोल सकते हो भाई, इसको देखो इसको शीशे से ना मुंह बाहर निकालने मजा आ रहा है नियो को, लेकिन हम शीशा करेंगे बंद क्योंकि इस चल रहा है। नियो मुँह अंदर, चलो बैठो पीछे बैठो आराम से, और विंडो सीट भी लगाएंगे इसमें। आगे हूँ ड्राइविंग सीट पे, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। पापा एक्चुअली पीछे लंच कर रहे हैं, ठीक है। तो मम्मी घर से ना वो बना के लाई थी, क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी, ठीक है, वेज बिरयानी, ठीक है। तो मतलब पुलाव, ठीक है। तो मैंने तो खा लिया पीछे बैठे बैठे, अब पापा खा रहे हैं, तो मैंने कहा आप खा लो तब तक हम गाड़ी चला दें, ताकि हमें लंच के लिए रोकना ना पड़े, नहीं तो उसमें ना काफ़ी मतलब एक डेढ़ घंटा दो घंटा चला जाता है, तो वो हो सकता है टाइम बच जाए, देखते हैं कैसा रहेगा। अभी तो प्लान यही है, बाकी रुद्रपुर पहुंच चुके हैं, सीएनजी हमने भरा ली, एक बार फुल करा लिया, ठीक है। इसके बाद मुरादाबाद में फिलअप कराना पड़ेगा दोबारा अपने को, ठीक है। तो ये है कहानी अभी की। तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई थी, तो वैसे बहुत ट्रैफिक लग गया। ये रुद्रपुर जस्ट क्रॉस किया हमने, इसके बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आती है। देखो ऊपर वैसे फ्लाई ओवर का काम तो चल रहा है भाई कई सालों से, इस साल शायद पूरा हो जाए, ठीक है। वैसे इंडिया की रोड्स काफ़ी तेज़ी से बन रही है, तो हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए, एंड ये कंप्लीट होगा ना उसके बाद यहाँ से छुटकारा मिलेगा। वैसे तो उतना ट्रैफिक नहीं लगता है यहाँ पे नॉर्मल टाइम में, लेकिन जिस टाइम पे ट्रेन का टाइम होता है ना भाई, बड़ा भयंकर जाम लगता है, क्योंकि पीछे तक लग जाती है। तो हमारी किस्मत अच्छी थी भाई, हम आगे आ गई, हम जब फाटक बंद हुआ होगा तो हम आगे आ गई थी, ज़्यादा पीछे नहीं थे। बट अभी देखना कितना ट्रैफिक क्रॉस करेंगे हम, तो क्या मस्त आम लग रहे ना हम लोगों ने भी। देखो पूरे यहाँ पे लाइन से लगे आम वाले, देखो हम लोगों ने भी थोड़े बम्बैया ले लिए। वैसे हम तो काफ़ी आम लेके आए वहाँ से, लेकिन बम्बैया नहीं मिले वहाँ पे, इसलिए यहाँ से हमने बम्बैया ले लिए। बम्बैया मेरे फेवरेट है, मुरादाबाद से थोड़ा आगे, ठीक है। ये देखो ये सीएनजी सिटी, सबसे बड़ा सीएनजी पंप देखा मैंने आज तक जो, ठीक है। पापा वहाँ सीएनजी भरा रहे हैं, मैं नियो को लेकर आ गया ताकि ये थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाए। सर हमारा नंबर आ ही जाएगा, देखो अपनी गड्डी बता रहे हैं, देखो ये अपनी गड्डी पीछे, नहीं नहीं वो जो खाली बैग दिख रहा है ना ये अंकल के पीछे, वो अपनी गड्डी वैगनार के पीछे वाली। सो गाइस पापा फिर से आ गए ड्राइविंग सीट पे, एंड हम आ गए पीछे, थोड़ी देर रेस्ट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। एंड ना हमने रास्ते से जो बोली थी ना बम्बई या मम्मा देना, तो वो ना मैंने उधर रख दी थी एसी के बेल्ट के, मतलब ये जो कप होल्डर रहता है ना वो कूलिंग वाले कप होल्डर है, ठीक है। मैं भाई आम एकदम ठंडा हो चुका है, मस्त है, उसको खाएंगे। देखो बम्बई आम मेरा फेवरेट, उसको खाएंगे मस्त है। गैस देखो नहीं कैसे कर रहे हैं, एक मिनट कच्चे पाके से रख दिया भाई साहब ने। पता नहीं ऐसे क्यों आगे वो आता है, इसको एसी की तरफ
फुल एसीज की तरफ कर रहे हैं पीछे की तरफ, और ये पीछे का पूरा कैबिन ना चिल्ड हो रखा है, चिल्ड। क्या हुआ भाई? टोल में बहुत भीड़ है, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है टोल में, इतने पीछे हम, देखो कितना दूर है टोल, है ना, देखो उधर यहाँ बहुत भीड़ भाई, बहुत भीड़। 12, 13, 14, 15 है, 16 लाइन है भाई इस वाले टोल में। हम लोग को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया मैं खड़े खड़े, और मुझे लग रहा है अभी 10-15 मिनट और लगेंगे हमें भाई। क्या सीन है देखो इंडिया के टोल्स की हालत ये है, इतना मतलब फास्टैग का फ़ायदा ही क्या जब इतनी देर खड़े रहना पड़ रहा है। तो बड़ी दिक्कत क्या, देखो टोल गेट एक है लेकिन लाइनें दो हैं, आप एक ये लाइन जितना हमें, दूसरी लाइन ये। अब जिसमें हमारी गलती नहीं है, पीछे से पता नहीं चलता इतनी दूर तक लाइन लगी है, पता नहीं चल रहा, बट अब पता नहीं किसकी गलती भाई है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा होगा कि लाइन चल रही होगी कोई ना साइड से आया होगा आगे डालने के लिए, उसके पीछे लाइन अलग से लगी होगी जल्दी जल्दी करके, तब जाके ये दो लाइन लगी हुई है। नियो को भी निकालते हैं, नियो नियो जा रहा हूँ भाई, मस्त सो रखा है तू। देखो ये है कुलदीप चौधरी का ढाबा, इनने नियो को अंदर आने के लिए मना कर दिया, देखो कितना दुखी है नहीं हो। तो हम लोग भी आ गए क्योंकि भाई बाहर कौन बैठता, बाहर बहुत गर्मी है, तो हमने यहाँ से बर्गर्स एंड कुछ चाय ऑर्डर करी ना, कुल्लड़ वाली चाय ऑर्डर करी है, ठीक है। और उतनी गर्मी में भाई कुल्लड़ वाली चाय भी नहीं पी जाती, तो हमने सोचा भाई गाड़ी में इसे चला दिया, और नियो भी बिना इसी के रहता नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी में इसे चला दिया हमने, हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे और चाय पियेंगे मस्त, फिर निकल लेंगे यहाँ से। बर्गर वगैरह तो खा लिया, अब मैं ड्राइविंग सीट पे जा रहा हूँ। एक ना ब्रेड पकौड़ा भी आ रहा है, एक्चुअली नियो के लिए आया था ब्रेड पकौड़ा, मैं एक अपने लिए भी ले आया, तो वो ब्रेड पकौड़ा मैं खाऊंगा दिनों में, हाँ यहीं पड़ा पे। ये देखो एक तो पूरा नियो खिला दिया मैंने, पापा चाय लेने गए, है ना, अंदर पनीर भी है इसके अंदर, स्टफ्ड पनीर। देखो अगला टोल ना, देखो यहाँ से जाम है, देखो भाई शिट भाई कहाँ है टोल यार, कहाँ है टोल, देखो हाँ टोल का जाम है, किनारे वाली टोल का जाम है, ओह माय गॉड भाई इसमें तो टोल में लग जाएगा आधा पौन घंटा यहाँ पे, शिट भाई। देखो ये है टोल का जाम, ठीक है, और देखो ये देख रहा है, देखो फ्री टोल प्लाजा 500 मीटर मतलब उस पॉइंट से आधा किलोमीटर और है टोल प्लाजा, तो इतनी दूर से जाम लग रहा है भाई, गजब ट्रैफिक है यार आज, और दिल्ली के अंदर जाके क्या हाल होगा पता नहीं भाई। निकल गए टोल से, ऑलमोस्ट आधा घंटा और यहाँ पे लगा, ठीक है, 5:46 में हम टोल में फंसे थे जाम में, और देखो 6:09 हो रहा है, ऑलमोस्ट लगा लो 25 मिनट, है ना, 25 मिनट के करीब मैं यहाँ लग गया, और आधा घंटा वहाँ लगा था, तो एक घंटा हमारा पूरा टोल में चला गया आज। उससे पीछे भी टोल में एक लगा था ना, वो तो हमने गिना ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ सब जगह से बस आगे ना हो और दिक्कत। ये फरीदाबाद है 53 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन मैं बता दूँ 60 है यहाँ से, क्योंकि मैप पे दिखा रहा है, गूगल मैप झूठ नहीं बोलेगा। तो गाइस दिल्ली NCR में स्वागत हो चुका है भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है, इट्स गुड टू बी बैक। आपको कैसा लग रहा है अम्मा, आप तो 2 महीने बाद आ रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको पापा बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है आपस मतलब उत्तराखंड की ठंडा नहीं है, वो गाड़ी के अंदर आपको एसी में ठंडा लग रहा है, बाहर गर्मी है, उतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो फिर उत्तराखंड की शुद्ध हवा के बाद आपको दिल्ली के पॉल्यूटेड माहौल में आके कैसा लगेगा, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, हाँ वो तो होगा ही, मेरे चालू नहीं हो, मेरे को खैर नहीं आएगा आंखों से पानी, बट लेकिन हाँ थोड़ा नाक वाक बंद होने लग गए ऐसे नहीं पता चलेगा, वो थोड़ा गले में ना वो होगा इचिंग वगैरह होती है जब ऐसे आओ ना कुछ दिन में रहने के बाद, लेकिन हम तो खैर एक ही हफ्ता हुआ है, आपको होगा, आप जो एक 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 2 महीने बाद आते हैं ना जो लोग, उनको दिक्कत होती है वैसे।
इतनी दूर क्यों है यहाँ पे? देखो भाई उसमें लेकिन भीड़ है, हम एक्सप्रेस वे में, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। क्या होता है धूल कहाँ से आएगी समझ नहीं आया मेरे को। पूरा धूल कहाँ से गुबार? हाँ ऐसा है किसी गाड़ी वाले ने ना बर्नआउट मारा होगा बहुत तेज। Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. मैं दे रहा हूँ नहीं लग गया, ठीक है? हमने भी DRL जला लिया, हम भी हेडलाइट नहीं जलाई है, ठीक है? एंड इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे फरीदाबाद, मतलब फरीदाबाद स्टार्ट हो गया इस टोल के बाद, अभी बदरपुर बॉर्डर पे हम, ठीक है? एंड 10-15 मिनट में घर, गाइस घर पहुँच गए हैं। बेसमेंट में गाड़ी लगानी पड़ेगी एंड बेसमेंट से सामान उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो भाई रोड बन रही है तो गाड़ी टावर के नीचे लग नहीं सकती। अब होगा असली मतलब टास्क, यहाँ तक आना एक टास्क था, यहाँ से सामान ऊपर ले जाना अलग टास्क है, वो तो सबसे खतरनाक टास्क है वो। भाई देखो ये इतना सामान लाया एक बारी में, एंड मम्मी भी मैंगोज वगैरह पकड़ के लाई, और मुझे लग रहा है इसका दो चक्कर और लगेंगे, हम दो राउंड और लगेंगे ना। बहुत लगेंगे, दो पेटियां तो आम ही है। चलो ट्रेन से मतलब मैं लगा लूँगा, दोबारा जा रहा हूँ नीचे सामान लेने, एंड मनोज कुमार भी आ रखे हैं तो उसको मैंने नीचे बुला लिया, वो अभी भी जस्ट पहुँचा है, मैंने उसको बोला नीचे मिल बेसमेंट में, मैं अभी तक तो आया नहीं हूँ, आ रहा हूँ उधर से। भाई मनोज मैं सामान लग लिया, आम की पेटी एक बैग लिया और कटल भी लिया, इसका रिएक्शन देखो मनोज को देख के। भाई भी चेंज वेंज कर लिया है एंड ना बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, बाल जैसा क्या आ गया इसमें, हाँ बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, आप मेरी चेहरा देख के बता रहा आपको, ठीक है? तो अभी मस्त करके सो जाएंगे, ठीक है? एंड आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए एंड देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।